जय हिंद दोस्तों। आज 2 फरवरी सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बजट पर। बड़ी अपडेट है, रक्षा पेंशन में 2.4% की बढ़ोतरी, ORP 3 का भी बजट अलॉट हुआ। खुशखबरी, प्रीमेचर सैनिकों को मिलेगा ORP 2 का एरियर, इस पर बड़ी अपडेट है। और MNS ने MSP 10,800 बंद ना हो, मोदी जी से लगाई गुहार, 6 फरवरी को सुनवाई होने से पहले। 17 साल सिपाही की पेंशन 21,875 हुई MSEP मिलने के बाद। KSB ने फंड जारी किया, पूर्व सैनिकों को 30 दिन में होगा भुगतान, इस पर बड़ी अपडेट है। और 8CPC के गठन पर वित्त मंत्रालय का जवाब आया है, पूर्व सैनिकों JCOOR के लिए जबरदस्त जॉब निकली हुई है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पहली खबर से बात करते हैं, रक्षा बजट भी जारी हुआ है। और बता दे, कल बजट था, बजट में क्या क्या घोषणाएं हुई है। कई लोग कह रहे हैं कि केवल 7 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स छूट नहीं है, इसके अलावा कुछ भी सरकार ने नहीं किया है। बता दें, सरकार ने रक्षा बजट में जबरदस्त बढ़ोतरी की है और उसका फायदा ORP 3 में भी मिलेगा। आपको बता दें, जो रक्षा बजट से पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं क्या क्या इसमें फायदा होगा। कई घोषणाएं की हैं, लेकिन उसमें सबसे जो बड़ी घोषणा है वो रक्षा बजट की घोषणा है, और उसके लिए एक प्रेस रिलीज जारी हुई है रक्षा मंत्रालय द्वारा। आप देख सकते हैं, जो ये प्रेस रिलीज जारी हुई है, अंतरिम बजट 2024-25 रक्षा मंत्रालय को रिकॉर्ड 6.21 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन, वित्त वर्ष यानी कि 2023-24 से 4.72% ज्यादा है, जो पिछले साल था उससे 4.72% ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात है, रक्षा पेंशन के लिए बजटीय आवंटन 1.41 लाख करोड़ हुआ। ये पेंशन का है 1.41 लाख करोड़, जो कि पहले कितना था वो मैं आगे दिखाऊंगा। बता दें कि जो सशस्त्र बलों का कुल रक्षा बजट होता है वो 92 करोड़, यानी 92,092,000 रुपए रहता है, बाकी जो हथियार खरीदे जाते हैं। लेकिन पेंशन में कितना खर्च होता है आप खुद देख लें, 1.4 लाख करोड़, यानी कि इससे लगभग 1.5 गुना, 2 गुना से भी ज्यादा, 2 गुना के आसपास खर्च होता है पेंशन बजट में। इसके बता दें कि वेतन अलग है, वेतन इसमें जुड़ा नहीं है, और वेतन का भी खर्च इतना ही लगभग होता है। तो पेंशन बजट में बढ़ोतरी हुई है, कितनी बढ़ोतरी हुई आपको बता दें कि रक्षा पेंशन बजट में 1.4 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। रक्षा पेंशन के लिए कुल बजटीय आवंटन 1,41,205 करोड़ रुपए हैं, जो कि 2023-24 के दौरान दिए गए 2.17% ज्यादा है। यह स्पर्श और अन्य पेंशन संबंधित जो दी जाती है, पेंशन संबंधित कई मामले हैं उनके लिए ये आवंटित किया गया है। 32 लाख पेंशन भोगियों को मासिक पेंशन पर खर्च होगा। अब मैं बता दूं कि ये जो स्पर्श और अन्य जो पेंशन संवितरण प्राधिकरण है उनके माध्यम से दिया जाएगा। इसमें ORP 3 भी कवर होगा, क्योंकि ORP 3 जुलाई 2024 में लागू होगा। सरकार हो सकता है जुलाई में लागू करे, नहीं तो हो सकता है कुछ दिन बाद, लेकिन लागू ही करना होगा। और रक्षा बजट में जो बढ़ोतरी हुई है ये शायद ORP 3 के लिए ही बढ़ोतरी हुई होगी, क्योंकि जो पेंशन बजट बढ़ोतरी हुई है इससे ये सिद्ध होता है। अब बता दूं कि दूसरी बात इसमें यह कही गई है, पूर्व सैनिक कल्याण योजना यानी कि ECHS, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी कई एक्स्ट्रा आवंटन किया गया है, जो कि ये आप देख सकते हैं दिया हुआ है, पहले से 28% ज्यादा ECHS के लिए आवंटित किया गया है। बात कर लेते हैं, जबरदस्त अपडेट है, जो प्रीमेचर रिटायर हुए सैनिक हैं उनके लिए जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है वो अब केस लड़ने जा रही है। और बता दें, 1 जुलाई 2014 से 6 जून 2017 के बीच में जो रिटायर हुए हैं, आप देख सकते हैं 1 जुलाई 2014 और 6 जून 2017 के मध्य तीनों सेनाओं के ऑन रिक्वेस्ट डिस्चार्ज जो प्रीमेचर जवान रिटायर हुए हैं ORP 2 के हकदार हैं। ऐसे इफेक्टेड जवान मांग कर रहे हैं कि उनका भी केस कोर्ट में फाइल किया जाए, क्योंकि आंदोलनों से कोई हल निकलने वाला नहीं है। देर कोर्ट में का भी एक ऑप्शन खुला है। अब बता दें, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी इस संबंध में केस तैयार कर लिया है,
जल्द ही फाइल करेगी। इस संबंध में हम लोगों से अब पहले ही 12/3/2023 को 6 अगस्त 2023 को ज्ञापन दे चुके हैं। आर्मी रूल्स के अनुसार वो ज्ञापन दिया हुआ है। 6 जून 2017 को ओआरओपी के पत्र में, जो 6 जून 2017 का है, ये एक पत्र जारी हुआ था, तभी से ये पता चला कि ओआरओपी 2 में जो प्रीमेचर रिटायर हुए हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा। तो 6 जून तक तो मिलना ही चाहिए, 6 जून 2017 तक। तो अब ये केस किया जा रहा है कि 1 जुलाई 2014 और 6 जून 2017 के बीच में जो ऑन रिक्वेस्ट यानी कि प्रीमेचर रिटायर हुए हैं पूर्व सैनिक, उनको ओआरओपी 2 दिया जाए। और केस भी ये मजबूत है क्योंकि आप 6 जून को कोई लेटर, 6 जून 2017 को लेटर जारी कर रहे हैं, तो 6 जून 2017 तक तो देना ही चाहिए। मैं तो कहता हूं प्रीमेचर को तो आउट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रीमेचर पूरी सर्विस करने के बाद रिटायर हो रहा है, यानी कि जो पेंशन लायक सर्विस है वो पूरी सर्विस कर रहा है, तो उसको पूरा हक मिलना चाहिए। ये केस जो लड़ा जाएगा ये 6 जून के लेटर के हिसाब से, 6 जून 2017 के लेटर के हिसाब से लड़ा जाएगा। और बता दें 6 जून तक के जितने भी प्रीमेचर रिटायर हुए हैं 6 जून 2017 तक वालों को, सभी को प्रीमेचर का फायदा मिलेगा ओआरओपी 2 में, और चाहे ओआरओपी 3 कोई भी ओआरओपी होगी सबका फायदा मिलेगा। ऐसे पूर्व सैनिक अपना पीपीओ और रीजन डिस्चार्ज का रीजन बुक देकर संबंधित डिस्चार्ज बुक पर इस नंबर पर बात कर सकते हैं। उनसे व्हाट्सएप पर वीर बहादुर साहब ने यह जानकारी दी है। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी अब इसका भी केस लड़ेगी। बता दें 6 जो फरवरी को सुनवाई है इक्वल एमएसपी पर, वो भी वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन और 2 और पूर्व सैनिक हैं वो लड़ रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट है अभी तक की। बात कर लेते हैं एक और बड़ी अपडेट है, इक्वल एमएसपी की सुनवाई 6 तारीख को है, यानी कि 6 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में। उससे पहले बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। बता दें पूर्व सैन्य नर्सिंग अधिकारियों ने पूर्व सैनिकों का दर्जा दिलाने के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है। ये गुहार क्यों लगाई है, क्योंकि 6 तारीख को एमएसपी की सुनवाई होनी है, और अगर इनको जो पूर्व सैनिक का दर्जा मिल जाता है तो इनकी एमएसपी जो है 10,800 ये नहीं बंद की जा सकती है, क्योंकि इनको पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं मिला है एमएनएस को, और पूर्व सैनिक का दर्जा ना मिलने के कारण ही इनको एमएसपी नहीं बनती है। अगर इनको पूर्व सैनिक का दर्जा मिल जाएगा तो इनकी एमएसपी भी चलती रहेगी। अब ये कोर्ट में यही बात कही गई कि जब पूर्व सैनिक नहीं है तो इनको एमएसपी क्यों दी जा रही है। अब मैं बता दूं कि ये मांग जो की गई है कि पूर्व सैनिक का दर्जा दिलाया जाए, तो 1 फरवरी को ये मांग की गई है, और पूर्व सैन्य नर्सिंग सेवा एमएनएस अधिकारियों ने भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से अपील की है कि सेवा से रिटायर होने के वाली सैन्य नर्सों यानी कि एमएनएस पूर्व सैनिक ईएसएम का दर्जा दिया जाए, ताकि अन्य सेवाओं में लाभकारी रोजगार योजना का फायदा उठा सके। आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व एमएनएस अधिकारी कल्याण संघ के सदस्यों ने कहा कि सरकार सेना में महिला सशक्तिकरण पर बयान दे रही है, लेकिन वह पूर्व एमएनएस अधिकारियों को ईएसएम का दर्जा देने से इनकार कर रही है। क्यों एमएनएस को पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, एक आरटीआई से आप जान जाएंगे, जो आरटीआई आई है वो मैंने पहले आपको बताई है वो। और इसमें यह कहा गया कैप्टन सीमा एक पूर्व शॉर्ट सर्विस कमीशन एमएनएस अधिकारी है। वह एक आईएएस उम्मीदवार ने कहा है कि यह एक कड़वा तथ्य है कि एमएनएस अधिकारियों को ईएसएम का दर्जा देने से इनकार किया गया है, जबकि सिविल सेवाओं में उम्र से छूट, नौकरी में जो छूट मिलती है वो ईएसएम का दर्जा न मिलने की वजह से उनको छूट नहीं दी जाती है। इसमें यह भी कहा गया है कि 26 जनवरी को सैन्य नर्सों ने पहली बार दिल्ली गणतंत्र दिवस पर परेड में मार्च किया था, अब उनको पूर्व सैनिक का दर्जा दिया जाए। आप समझ सकते हैं, मैंने पहले ही आपको जानकारी दे दी थी कि एमएनएस का जो मार्च कराया जा रहा है वो इसीलिए कराया जा रहा है ना इनकी एमएसपी बंद हो और इनको पूर्व सैनिक का दर्जा दिया जाए, सीएचडी की फैसिलिटी रिटायरमेंट के बाद दी जाए, ईसीएचएस की फैसिलिटी दी जाए, तो पूर्व सैनिक का दर्जा मिलने के बाद ये सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से। दूसरी खबर यह है कि सिपाही 17 साल अगर सर्विस करते हैं तो उनकी पेंशन कितनी होनी चाहिए एग्जैक्ट। आपको बता दें, आप देख सकते हैं सिपाही हैं ये, वाई ग्रुप के सिपाही हैं, और इनकी 17 साल इन्होंने सर्विस की है, सिपाही वाई ग्रुप 17 साल 11 दिन ये रिटायर हुए हैं 2019 में, तो इनकी पेंशन कितनी होनी चाहिए
पे लेवल 5 इनको दिया गया, आप देख सकते हैं पे लेवल 5 के बाद इनकी पेंशन, जो पे लेवल अगर 5 मिल रही है तो इनकी पेंशन है 21,325, जो कि गलत है, कम आ रही है। अब मैं बता दूं इनकी रियल पेंशन कितनी होनी चाहिए, आप दूसरा एक पीपीओ में आपको दिखा देता हूं, ये यही इनका पीपीओ है जो इनमें संशोधन हुआ है, सिपाही वाई ग्रुप के हैं वही है, 2019 में रिटायर हुए हैं इनका, आप देख सकते हैं अब इनकी संशोधित होने के बाद कितनी हुई है पेंशन, 21,325 से बढ़कर 21,875 रुपए, यानी कि जो सिपाही है 21,875 रुपए होनी चाहिए जो 17 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं। अब इनका जो संशोधन हुआ है, इन्होंने जो संशोधन हुआ है इनके रिकॉर्ड के थ्रू, स्पर्श के थ्रू हुआ है, और बता दें सीपी ग्राम में कंप्लेंट करने के बाद हुआ है, इन्होंने धन्यवाद भी दिया है, तो ऐसे ही धन्यवाद हमें मिल जाते हैं, यही बहुत है। और बता दें इन जिन्होंने इनका काम किया है उनको ये धन्यवाद भी दिया गया है, तो आपको बता दें कि धन्यवाद देना ही हमारे लिए बहुत है। अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से, 4 जनवरी का ये लेटर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लेटर है, केंद्रीय सैनिक बोर्ड का, बता दें ये जो लेटर है अप्रूवल ऑफ अपडेट फॉर वेरियस वेलफेयर स्कीम, जो केएसबी से आपको जो फंड मिलते हैं, जो आप उसमें अप्लाई करते हैं किसी तरह से सीए या एजुकेशन ग्रांट, उसके लिए इसमें दिया है कि आपके फंड अलॉट कर दिए गए हैं और 30 दिन के अंदर इसका भुगतान होगा, और कौन कौन से फंड अलॉट किए गए हैं इसकी जानकारी दी गई है, ये सारी चीज आप देख सकते हैं, एजुकेशन सीए सारी चीज के अलॉट कर दिए गए हैं, आपको कब मिलेगा इसका भी जानकारी इसमें दी है। अदर एप्लीकेशन आर बीइंग प्रोसेस एज पर द देयर ऑनलाइन सीनियरिटी, आपके अगर एप्लीकेशन अभी प्रोसेस में लगे हैं तो आपकी सीनियरिटी के हिसाब से अभी आपका फंड नहीं दिया गया होगा, अगर आपको अप्रूवल मिल गया है, केएसबी से अप्रूव हो गया है, तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर इसका भुगतान कर दिया जाएगा। इसमें दिया हुआ है क्लियर कि 30 दिन के बाद जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है 30 दिन के बाद उस इंडिविजुअल को पेमेंट कर दी जाती है, तो प्रोसेस का टाइम 30 दिन लगता है, तो आप जब भी आप देखें केएसबी से आपका अप्रूवल हो गया है उसके बाद 30 दिन के बाद आपको वो उसका भुगतान कर दिया जाता है। अब कई लोग कहते हैं कि हमारा अप्रूवल नहीं मिला है, तो आप ये ईमेल नोट करके रखें, केएसबी की है, इसमें ईमेल करें, वो जरूर आपका रिप्लाई देते हैं, और इसके बाद अगर वो किसी कारण से अप्रूव नहीं होता है तो अप्रूव भी कर देते हैं, तो आप इस ईमेल में जरूर कॉन्टेक्ट कर लें जो भी केएसबी से आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है। एक और बड़ी अपडेट से बात कर लेते हैं, बड़ी अपडेट है 8th Pay Commission पर सरकार ने बताया है कि कब लागू होगा, बता दें 8th Pay Commission पर पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्टर देयर इज नो सच प्रपोजल अंडर द कंसिडरेशन फॉर द 8th Pay Commission, यानी कि 8th Pay Commission का अभी कंसिडरेशन नहीं किया गया है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो आप देख सकते हैं इसमें यह दिया हुआ है 16th Finance Commission के लिए नामों की घोषणाएं कर दी गई हैं, यानी कि ये मेंबर इसमें नियुक्त कर दिए गए हैं, तो हो सकता है जल्द ही 8th Pay Commission की भी खुशखबरी मिल जाए। जॉब्स से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें जॉब्स निकली हुई है स्टेशन हेडक्वार्टर ECHS सेल अहमदनगर में, और ये एक्स सर्विसमैन के लिए आप देख सकते हैं कितना रिजर्वेशन है ये दिया हुआ है, इसमें ऑफिसर के लिए भी है वैकेंसी, JCO OR के लिए है, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, नर्सिंग असिस्टेंट की है, और इसके बाद डेंटल हाइजीनिस्ट की है, ड्राइवर की है, विजिलेंस ऑपरेटर चौकीदार की है, इसमें सैलरी भी दी हुई है, और बता दें ये अप्लाई करने का लास्ट डेट है 11 फरवरी 2024, इंटरव्यू डेट है 22 फरवरी 2024। जो भी अहमदनगर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर लें। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें, थैंक यू, जय हिंद।